एग्जाम्पल नंबर 1.5, यहाँ पर आपको क्या दिया है कि एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को आप रब कर रहे हो किसके साथ, सिल्क के साथ, तो हमें पता है चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, तो वो और भी हम ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं इसके, जैसे जैसे कि प्लास्टिक को हमने फर के साथ हमने रब किया था वहां पर भी चार्ज ट्रांसफर होते थे, तो वो सारे जो ऑब्जर्वेशन है हमने ये वो ग्लास वाला हो या तो अदर ऑब्जर्वेशन मींस कि प्लास्टिक वाला ले लो और कोई और भी बॉडी ले सकते हो, तो ये जो सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ लॉ किसका मींस जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज उसको कैसे ऑब्वे करते हैं ये सारे ऑब्जर्वेशन। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस क्या होता है कि जो सिस्टम की हम बात करें वो सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कोई भी सिस्टम की आप अगर बात कर रहे हो वहां पर चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर नेट चार्ज जीरो है, कोई भी सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है तो आप कुछ भी करो लेकिन ये पूरी सिस्टम का नेट चार्ज जीरो ही रहना चाहिए, ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, देखो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि यहाँ पर ग्लास है, मान लो ये ग्लास है हमारे पास और ग्लास को हम किसके साथ रब करते हैं, तो ग्लास को हम रब करते हैं सिल्क के साथ और ये ग्लास है, ग्लास रॉड। अब देखो स्टूडेंट कि यहाँ पर ये पूरी एक सिस्टम हो गई, देखो ये पूरी एक सिस्टम है, ये सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, कुछ भी आप उसको रब करो या रब नहीं करो कोई कुछ भी करो लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहने चाहिए, उसका मतलब होता है अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं चार्ज कैसे है, कंजर्व्ड है। देखो कैसे कि मान लो ये जो ग्लास है वहां पर नेट चार्ज जीरो है, उसका मतलब अगर उसके पास 4+ चार्ज होंगे मीन्स 5+ चार्ज है तो 5- चार्ज भी होंगे तो इसका जो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसमें भी देखो यहाँ पर मान लो कि 5 कौन से चार्ज है, तो 5 जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये बॉडी पर 5 नेगेटिव चार्ज भी होंगे, तो अगर ये इसका भी चार्ज नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, उसका मतलब कि जितने प्लस इतने माइनस, जो प्लस माइनस मिलते हैं तो इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, मीन्स चार्ज ना के बराबर टोटल चार्ज जीरो हो जाता है। तो ये अगर कोई भी बॉडी पर जितने पॉजिटिव है इतने नेगेटिव होता है तो उसका जो नेट चार्ज होता है टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो इसमें भी जितने प्लस इतने माइनस, यहाँ पर भी जितने प्लस इतने माइनस है, तो ये सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो स्टूडेंट हमारी कंडीशन क्या है कि अगर इसके पास नेट चार्ज जीरो है तो आप अगर ये इसको रब करोगे, ये रॉड को सिल्क के साथ रब करोगे तो भी ये जो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो कैसे, अब मैं देखता हूं कि ये रॉड को मैं आप यहाँ पर उसके साथ रब कर रहा हूं, देखो पहले ये था, ये सिस्टम का चार्ज नेट चार्ज पहले जीरो था, इसका जो चार्ज है ये मैं बात कर रहा हूँ ओनली रॉड की बात कर रहा हूँ, उसके पास चार्ज जीरो है, इसके पास भी जीरो है और टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज है सिस्टम का नेट चार्ज, वो नेट चार्ज भी क्या है, जीरो है। अब स्टूडेंट देखो कि मैं ये जो रॉड है उसको इस सिल्क के साथ रब करता हूँ, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, तो देखो ये सिस्टम है हमारी और रब करने से ये जो रॉड है हमारा ग्लास का, वो ग्लास के रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाते हैं, हमें पता है कि चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं, तो पहले यहाँ पर ये सिल्क पर कितने चार्जेस थे, तो 5, पहले 5 उसके पास पॉजिटिव चार्जेस थे यहाँ पर दिख रहे हैं हमें और इतने ही उसके पास नेगेटिव चार्जेस थे, यहाँ पर भी 5 पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास थे और 5 नेगेटिव चार्ज थे, ये जो रॉड को रब करने से दो चार्जेस यहां से यहां पर आ गए,
तो देखो अब पहले इसके पास नेट मीन्स इसके पास जो चार्ज था रॉड के पास क्या था, जीरो। अब उसके पास ये रॉड के पास चार्ज जीरो नहीं है, लेकिन देखो प्लस बच रहा है यहाँ पर, तो इसके पास चार्ज हो गया पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि दो जो प्लस चार्ज है वो बचते हैं, तो यहाँ पर प्लस ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। यहाँ पर देखो ये 5 प्लस 5 माइनस ये सब मिलके इफेक्ट को जीरो बनाएंगे, लेकिन ये दो चार्ज यहाँ पर बचते हैं, तो यहाँ पर ये सिल्क पर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये जो सिस्टम में पहले ये जीरो था, अब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी जीरो था, ये भी नेगेटिव चार्ज हो गया, लेकिन आप टोटल करो, देखो टोटल चार्ज नेट चार्ज देखोगे तो नेट चार्ज कितना है, तो देखो आप यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर टोटल चार्ज पॉजिटिव कितने हैं, 10 10 पॉजिटिव चार्जेस है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो 10 कितने हैं, नेगेटिव चार्जेस है। तो देखो टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम का, जीरो हो गया, तो देखो नेट चार्ज जीरो होगा। पहले भी नेट चार्ज जीरो था, बाद में भी नेट चार्ज जीरो हो गया, हाँ बॉडी पर जो चार्ज था वो चेंज हुआ, लेकिन टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज तो जीरो ही है। हाँ तो चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज होता है वो जितना पहले था इतना ही बाद में रहेगा। जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है, उसका मतलब पहले जितना चार्ज था बाद में इतना ही चार्ज है। हाँ चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर टोटल चार्ज तो सेम है। तो ये जो चार्ज होता है वो कौन से लॉ को ऑब्वे करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऑब्वे करता है।